आज के आधुनिक युग में IMA संस्थान के बारे में तो सुना ही होगा। प्राचीन काल में भी ऐसे संस्थान होते थे। ऐसा ही एक संस्थान था जहां मुरलिया लिपि व प्राचीन गणित के सम्मिश्रण से मुनीम तैयार किए जाते थे। पंडित श्यामलाल के खतराना स्थित मुरलिया विद्यालय में कभी व्यापार प्रबंधन के मुनीमी कोर्स की पढ़ाई कराई जाती थी। मुरलिया ने इतनी लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी कि हर धनाढ्य अपने बच्चों को मुरलिया पढ़ाना चाहता था। मध्यम तथा निम्न वर्ग में मुरलिया एक आवश्यकता हो गई थी ताकि मुनीमी की नौकरी आसानी से प्राप्त हो सके। उस समय नौकरी के नाम एकमात्र आशा मुनीमी होती थी। दशमलव प्रणाली के प्रारंभ होने के कारण 1985 से इसकी पढ़ाई समाप्त हो गई। मुरलिया भाषा व वैदिक गणित का सम्मिश्रण कुछ ऐसा था कि आज के कंप्यूटर प्रोफेशनल्स को मात दे दे। चुटकियों में जोड़, बाकी गुणना व भाग कर दिया जाना इन मुनीमों की विशेषता थी। व्यवसाय का हिसाब किताब रखने में मुरलिया का प्रयोग हर फर्म में किया जाता था। इस पढ़ाई में जोड़, घटाना, गुणा, भाग, पहाड़ा, पौवा, अधा, सवैया, ड्यूरा, धैया, हुटा, धैचा, इकन्ना, तोला, माशा, रत्ती, मन, सेर, छटांक आदि का शिक्षण कार्य किया जाता था। उत्तर भारत में मुरलिया का प्रसार फर्रुखाबाद से शुरू हुआ। दूर दूर से धनाढ्य घरानों के बच्चे बिजनेस प्रोफेशनल अर्थात मुनीमी के लिए फर्रुखाबाद पढ़ने आते थे। फर्रुखाबाद में मुरलिया के इतिहास की बात की जाए तो नवाब मोहम्मद खान बंगश की राजस्थान के राजपूत राजाओं से काफी दोस्ती थी। मुगल आक्रमण से बचाने के लिए साहूकार मारवानी फर्रुखाबाद लाए गए। उन्हें गंगा किनारे बसाया गया। इस प्रकार वहां के साहूकारों के साथ मुरलिया यहां आई। अपना हिसाब किताब रखने के लिए ये लोग मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया करते थे, लेकिन स्थानीय मुनीमों को इसका ज्ञान नहीं था। ऐसे में इन लोगों ने भी मुरलिया को ही अपनी लिपि बना लिया। अलीगंज के दिगंबर जैन शांतिनाथ के मंदिर से प्राप्त 8 बहियों से सिद्ध हुआ कि मुरलिया का प्रारंभ 1775 से पहले शुरू हुआ था। 100 से 150 साल पहले समूचे अवध में वाणिज्य के कार्यों में प्रयोग की जाने वाली मुरलिया लिपि विलुप्त प्रायः हो चुकी है। आज लोगों के पास लिपिबद्ध पांडुलिपियां तो हैं, लेकिन उसको पढ़ने और समझने वाले लोग नहीं हैं।